कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ये शिव महापुराण प्रथम भाग हिंदी टीका सहित भाग एक, यह है श्री शिव महापुराण। ये कहाँ से प्रकाशित है? बम्बई से। विद्या वारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, और खेमराज श्री कृष्ण दास बम्बई से ये प्रकाशित है। अब इसमें दिखाते हैं आपको, इसके तीसरे स्कंद में इनकी और ज्यादा डिटेल है। इसके अंदर अध्यक्ष मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग बम्बई से। शिवपुराण 11 पृष्ठ पर विधवेश्वर संहिता भाग एक अध्याय है। विधवेश्वर संहिता अध्याय है। यहाँ से प्रश्न होता है, नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेषया पर अपने गुरुड आदि पार्षदों से युक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय देखियो, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, यानी सोए पड़े हो? हे वत्स, हे बेटा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु जी को, हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी यानी तेरा मालिक आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर से तो गुस्सा होया, पर ऊपर तो इन्हों दिखाया मैं क्रोधित नहीं हो रहा हूं, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स के बेटा, तुम्हारा मंगल हो। विष्णु जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इसमें तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो गया? वो टेढ़ा टेढ़ा देखा था ब्रह्मा जी गुस्से में आके। ब्रह्मा जी बोले, वत्स यानी बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी बोले, ये सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, और मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण मुग्ध होकर विवाद करने लगे, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। हंस और गरुड़ पर उठकर अब लड़न लगे। तब संपूर्ण देवता, वह तो लठ बजावे ब्रह्मा विष्णु तो लड़े हैं, और संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध देखने को चले आए, और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। अपुण्य आत्माओं,
अब जरा सा विचार करके देखो, किसी भी कारण से दो व्यक्तियों की आपस में कहासुनी हो जाती है, झगड़ा होता है, तो अच्छे व्यक्ति का फर्ज बनता है उन दोनों का बीच बचाव करें, उनको समझा बुझा कर उनका युद्ध समाप्त करवावे। अरे ये हमारे देवता ऊपर से फूल बरसावें उनको लड़ता देख के, अन्यों के शाबाश मरो कट के, देखते हैं कौन सा तगड़ा तुम्हारे, ये देवताओं के लक्षण हैं। यहाँ का सारा नकली काम है, ये नकली ऋषि जिनको कह कह पता नहीं वेदों का, और मैं ऋषि पाक रहे थे, और ये भगवान जिनको पूजा करते थे, इनके विषय में आगे देखो क्या लिखा है। ये खुद कहता का कि तुमने ब्रह्मा और विष्णु को तुमने कैसे अपने आप को भगवान मान लिया, तुम यू आर नॉट गॉड, तुम भगवान नहीं हो। अब इन दोनों के बीच में काल ने वो स्तंभ खड़ा कर दिया, फिर उन दोनों के बीच में स्तंभ जब खड़ा कर दिया तो ये काल भगवान वहां शिव रूप में आ गया। फिर वो क्या कहता है ये देखिएगा। अब ये पृष्ठ नंबर 17 शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9 पढ़ रहे हैं, पहले हमने वो 6 पढ़ा था, अब यहाँ पढ़ते हैं हम। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, और कोई भगवान नहीं है, इस कारण से उनके दो रूप नहीं हो सकते, पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया है, इसमें ब्रह्म रूप निष्कल और इस रूप सगुण है, मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं और दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस प्रकार तुम दोनों ने अथवा दूसरों को इस तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, तुमने जो अज्ञान से अपने को भगवान मान लिया, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ, और तुम्हारी फड़क निकालने के लिए मैं ईब आया हूं, उद्भुत हुआ, इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ, मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अपुण्य आत्माओं, इसमें संस्कृत भी साथ है, इस जो आपको पुराण दिखा रहा है दास शिव पुराण, इसमें संस्कृत मूल पाठ भी साथ है, और अनुवादकर्ता ने अनुवाद भी बहुत कुछ ठीक किया हुआ है। इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और शिव शंकर जो इस काल का पुत्र है, ये प्रभु नहीं है, ईश नहीं है, ये सामांतर शक्ति के एक ही जैसे विभागीय मंत्री हैं, जैसे रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के काल के पुत्र ये शिव जी। अब आपको दिखाते हैं कि यही विद्वेश्वर संहिता शिव पुराण आपको दिखा रहे हैं, जो बंबई से प्रकाशित है, मुंबई से 17-18 पृष्ठ पे अध्याय 10, 9 हमने पढ़ लिया, अध्याय 10 अब ये है। इति श्री शिव महापुराणे विद्वेश्वर संहिता भाषा टीकायम नवमो अध्याय, नवमा समाप्त हो गया और यहाँ दसवां शुरू हो गया। यहाँ देखना, इस पर हम अपने थोड़ा सा अपने मतलब का लेंगे ज़्यादा, जिससे हम समझ सकें इन सदग्रंथों को। हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए। अब ये बात विचारणीय है कि रुद्र और महेश
और ब्रह्मा और विष्णु ये दोनों, इनको कहा है कि तुमने सृष्टि और उत्पत्ति जो प्राप्त किया है, और रुद्र और महेश ने, ये चार हैं, और बोलने वाला इनका पिता पांचवा है। वो क्या कह रहा है, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने में समर्थ नहीं है। पूर्व के कर्म तुमने समय से विसरा दिए, रुद्र और महेश ने उनको नहीं भुलाया। अब 19 पृष्ठ हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। रूप और वेश कृत आसन वाहन और आयुध आदि में हमारी साम्यता थी। हे सौम्य, मेरे ज्ञान से विमुख होने से तुम में अज्ञानता आ गई। मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता। ज्ञान और रूप महेश के तुल्य हो जाता है। इस कारण उस अज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो, ओम का जाप करो। ये अभिमान का दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं, यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर की ओर से मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार और पूर्व के मुख से बिंदु, मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार पांच प्रकार से यह निर्गत हुआ, वह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो गया। ये संस्कृत है, इसकी देख लो। एकीभूत है पुनः तत् ओम इति एक अक्षरो भवत। इसमें ओम नमः शिवाय कितने नहीं लिख रखे। ये देख लो और खुद ना पढ़ना हो तो किसी से पढ़वा के देख लियो। है कि तो ओम नमः शिवाय कितने तो पाओ थोड़ा बहुत, इन्हों तो देख लिया हम देवनागरी लिपि, इसने पढ़ तो सकते हैं आराम से, कहीं नहीं लिख रखा। अब इसका अनुवाद इन्होंने किया है, ये सही किया है कि सब प्रकार से होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। यह सब नाम रूपात्मक वेद भूत दोनों कुल अर्थात स्त्री पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग दोनों का भेद वाला है। वह इसी मंत्र से व्याप्त है और शिव शक्ति का बोधक है, दुर्गा का और काल का। इसी ओंकार से सब जगत का बोधक प्रणव उत्पन्न हुआ है। अकार आदि क्रम से अर्थात अकार से, नकार से और मकार से, उकार से, बिंदु से, वा से यह प्रकट हुआ है। इसमें कहीं पर भी नहीं है। इसी पंच अक्षर से, पांच भेद से, मात्र का अकार से, लकार से, ये तो आगे बहुत कुछ इसके कहते हैं, सभी मंत्र इसी से आगे बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये मूल मंत्र ये ओम ही है। ये मूल मंत्र एक ही है। अब प्रसंग चल रहा है, परमेश्वर कबीर देव जी वो पूर्ण परमात्मा है, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये प्रभु नहीं हैं, ये जगत के उत्पत्ति कर्ता नहीं हैं, ये केवल एक ब्रह्मांड में उत्पत्ति सचिति और संहार करने वाले हैं। उत्पत्ति कैसे, जैसे रजोगुण प्रभावित होकर के सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं और संसारिक भौतिक सुखों की डिमांड करते हैं, इच्छा करते हैं। और सतीचि का अर्थ है कि एक दूसरे में मोह ममता, जैसे बेटा बेटी में ममता, माता पिता के अंदर मोह, संपत्ति में मोह, भाई बहन का प्यार, आपस में ममता, ये भगवान विष्णु जी के सतोगुण के कारण है। और भगवान शिव जो तमोगुण है वो सबका संहार करते हैं। अब जैसे
इन तीनों गुणों के प्रभाव से हम यहाँ व्यवस्थित हैं। ब्रह्मा जी के रजगुण की जो तरंगे निकलती हैं तो वो हमें प्रभावित करती है। इस काल भगवान ने इन तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर रखा है। इनको कैसे किया है? इस ब्रह्मांड के सबसे ऊपर के हिस्से में ब्रह्मलोक है और ब्रह्मलोक के सबसे ऊपर के हिस्से में बीच में उसको भी इसने पार्टीशन कर रखी है। सबसे शिखर में ये खुद रहता है, वहाँ इसने तीन स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र और तीसरा तमोगुण प्रधान क्षेत्र। अब कैसे बना रखे हैं? जैसे एक मकान में तीन कक्ष हों, कमरे, एक कक्ष में साधु संत फकीरों की मूर्तियां लगी हों, चित्र लगे हैं, तो उसमें जाते ही मन एकदम शांत हो जाता है, अच्छे विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं, उनमें उन महापुरुषों की जीवनी याद आ जाती है। और दूसरे कक्ष में किसी में अश्लील चित्र लगे हों तो वहाँ जाते मन में उथल पुथल हो जाती है, मन में बहुत गंदे विचार उत्पन्न शुरू हो जाते हैं और जब तक वहाँ रहेगा उसमें ऐसी उथल पुथल मची रहेगी। और तीसरा कक्ष ऐसा हो जिसमें शूरवीरों के, शहीदों के चित्र लगे हों तो वहाँ जाते ही मन अपने आप उन्हीं की तरह उनके विचार, उनकी महिमा सुनकर, उनके ज्ञान से, लीलाओं से परिचित होकर ऐसा ही खोलने लग जाता है, ऐसा स्वभाव बन जाता है। तो इसी प्रकार इस काल भगवान ब्रह्म ने ऊपर तीन ऐसे गुप्त स्थान बना रखे हैं। जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है वहां पर ये अपनी पत्नी दुर्गा को, ये इसकी पत्नी है दुर्गा ब्रह्म की, सावित्री रूप बना लेता है और स्वयं ये ब्रह्मा का रूप बना लेता है, पांच मुख वाला बन जाता है। वहाँ ये तब तक रहते हैं जब तक पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो जाती, उस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं। तो वहाँ रहते हुए इनके दोनों के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से, कर्म से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो उसी स्वभाव का बन जाता है जिस स्वभाव के वो दोनों उस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहकर पुत्र उत्पत्ति की। और ऐसे ही उसके ये कई मुख हो जाते हैं, ऐसा ही स्वभाव हो जाता है। तो उसको बचपन से ही ये बेहोश कर देते हैं ताकि इनको हमारे इस लीला का पता ना चले। और जब तक ये युवा होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शिव जी, इनको कोमा में रखते हैं, परवरिश जारी रखते हैं। उसके बाद ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र में चला जाता है, वहां ये स्वयं तो विष्णु रूप बना लेता है और अपनी पत्नी इस देवी को, दुर्गा को लक्ष्मी रूप धारण करवा लेता है, वो लक्ष्मी रूप धारण कर लेती है। इन दोनों के संयोग से उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका स्वभाव वैसा ही हो जाता है और उसका रूप विष्णु जैसा हो जाता है जिस रूप में रह करके उसने उस उन दोनों ने, दुर्गा और काल ब्रह्म ने पुत्र की उत्पत्ति की। फिर विष्णु जी को भी ये बेहोश कर देते हैं, अचेत कर देते हैं। जब तक ये युवा होते हैं तब तक इनको अचेत रखते हैं। इसी प्रकार तीसरा जो तमोगुण प्रधान क्षेत्र है उसमें ये शिव रूप धारण कर लेता है, शिव रूप धारण कर लेता है और दुर्गा को पार्वती रूप बना लेता है। उस तमोगुण क्षेत्र में रहते हुए इनके संयोग से, स्त्री पुरुष क्रम से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है, उसको भी ये अचेत कर देते हैं। फिर ये जब बड़े हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, इन तीनों को इकट्ठा कर देते हैं और फिर दुर्गा को इस काल ने यहाँ का कंट्रोलर बना रखे कि तू संभाल इस सारे खेल ने, और इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आऊंगा। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्वयं कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता,
ये मूर्ख जन समुदाय मुझे मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आप न मन्नते, मुझ अव्यक्त को मैं गुप्त रहता हूँ और मुझे ये व्यक्ति रूप में मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूँ क्योंकि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। इसने ये मेरा अनुतम यानी घटिया नियम है, अटल नियम है, अवै नियम, अविनाशी नियम है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा। 11वें अध्याय के 47 और 48 श्लोक में इसने खुद कह दिया 32 में कि मैं काल हूँ और ये मेरा वास्तविक रूप है। इसके दर्शन ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, किसी प्रकार से नहीं हो सकता। तो पुण्य आत्माओं, जब तक हम जिन भगवानों को सुप्रीम पावर मान्या करते थे और जब तक हम उनसे परिचित नहीं होंगे उनकी क्या स्थिति है, तो हम उस पूर्ण परमात्मा को स्वीकार नहीं कर सकते। पूर्ण परमात्मा की तरफ रुचि बनाने के लिए, पूर्ण परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए ये ढेर सारे प्रमाण आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ सके। अब श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये काल और दुर्गा, ये दोनों की पति पत्नी व्यवहार से, ये इनकी माता है ब्रह्मा विष्णु महेश की। आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी कबीर वाणी में, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अर्थात उस तत्व ज्ञान में, कबीर सागर में, कबीर वाणी में 600 वर्ष पहले लिखा था, आपके रूप रूक कराते हैं। क्या बताया था, धर्म दास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम नियारा, यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भ्रम नसावो। अब देखिएगा, कबीर सागर दिखाते हैं आपको, जो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, जो उनके मुखारविंद से उच्चारित है और धर्मदास जी महाराज द्वारा वह लिपिबद्ध है। आज से 600 वर्ष पहले जिसको अज्ञानी कहा करते थे, वो विद्वान नहीं कहा करते थे, ये कुछ नहीं जानता, उठपटांग बोलता है, उस परमेश्वर की वाणी में आज वही लिखा है जो हमारे पुराणों में लिखा है। तो इससे हम आसानी से पहचान सकेंगे कबीर इज गॉड, भगवान के बिना ये ज्ञान कोई नहीं दे सकता। हम जिनको महर्षि माना करते, ब्रह्मा विष्णु महेश मानते थे, सुप्रीम पावर, उनको खुद ज्ञान नहीं, अपने बारे में हम कहाँ से उत्पन्न हो गए, तो ये भगवान कहाँ से थे। ये देखिएगा, देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से ये छपा है, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से, जहाँ से शिवपुराण छुपा है वहीं से ये छुपा है। ये देखिएगा, कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग बंबई से। अब इसके बोध सागर, ये है ज्ञान बोध, बोध सागर 21 पृष्ठ पे, यहां देखिएगा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। यहाँ राम है, ये नाम गलत प्रिंट कर रखा है कबीर पंथियों ने। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भ्रम नसावो,
अब मैं तुमसे कहूं चताई ही त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। अब मैं तुमसे कहूं चताई ही त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताता हूं। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने। ये राम नाम गलत लिखा, यहाँ राम है। राम राम सब जगत बखाने आदि राम कोई बिरलाए जाने। सब राम राम करते हैं लेकिन वो आदि राम सबसे पहले वाला सनातन परमात्मा कौन है कोई बिरला ही जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई मूर्ख सुने तो गम ना पाई। कहते मैं जो बताने जा रहा हूं तीनों देवताओं की उत्पत्ति, ये त्रिदेवन की उत्पत्ति बताने जा रहा हूं। बुद्धिमान व्यक्ति तो सब प्रमाणों को देख शीघ्र ही हृदय से लगाएंगे कि सचमुच सत्य है, और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। मूर्ख ने कहा झूठ बोल रहे, निंदा करे निंदा करे। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन ये जमदारुण वंशन अंजन। इनकी माँ तो अष्टंगी दुर्गा है और पिता ये ज्योत निरंजन है काल। पहले कीन निरंजन राई पीछे से माया उपजाई। कबीर साहब कहते हैं कि हमने पहले तो काल की उत्पत्ति की, बाद में दुर्गा की उत्पत्ति की थी। माया रूप देख अति शोभा देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्म राय सताए देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारी हे साहेब मोहे करो उभारी। टेर सुनी तहां हम आए, ये सतगुरु हानि टेर सुनी तहां हम आए अष्टंगी को बंद छुड़वाए। अब 22 पृष्ठ पर धर्मराय, काल को धर्मराय भी बोलते हैं। धर्मराय को हिकमत की ना नखरेखा से भग कर लीना। धर्मराय करे भोग विलासा माया को रही सु आशा तबासा। यानी दुर्गा और काल ने विलास किया जिससे वो प्रेग्नेंट हुई। तीन पुत्र अष्टंगी जाए ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए तीन देव विस्तार चलावे इनमें ये जग धोखा खावे। अब ये तीनों देवता इस काल के ढमढमे न चला रहे हैं और इनमें ये तीनों देवताओं में सारा संसार भ्रमित हो रहा है। पुरुष गम कैसे कोई पावे काल निरंजन जग भरमावे। पुरुष यानी उस उत्तम पुरुषत्व ने उस परमेश्वर की को कैसे महिमा का ज्ञान हो, कैसे उसकी जानकारी हो, क्योंकि ये काल ज्योति निरंजन ये ब्रह्म सबको भरमाता है। तीन लोक अपने सुत दीन्या सुन निरंजन बासा लीन्या। ये तीन लोक अपने पुत्रों को देख है स्वयं ऊपर शिखर में बैठा है सुन शिखर में। अलख निरंजन सुन ठिकाना ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाण्या। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने पिता के बारे में आज तक जानकारी नहीं। तीन देव सो उसको धावे निरंजन का व्यापार न पावे। कहते तीनों देवता भी उसकी समाधि ध्यान लगा लगा थक लिए और वो उस काल का अपने पिता का भी पार नहीं पाए, ब्रह्म की भी प्राप्ति नहीं कर पाए। अलख निरंजन बड़बट पारा तीन लोक जीव कीन आहारा। कहते बड़ा ठग है ये ब्रह्म, ये काल तीन लोक के जीवों को आहार करता है, ये खाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए सकल खाए पुन धूड़ उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाता है जब इनकी मृत्यु होती है समय आने पर। तिनके सुत हैं तीनों देवा अंदर जीव करते हैं सेवा। हे हे कहते इस काल के और दुर्गा के ये तीन पुत्र हैं और ये तत्व ज्ञानहीन अंधे जीव इनकी ब्रह्मा विष्णु महेश की ही पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या काल पाए सभी गैलीना। ऐसा राम सकल जग जाने आज ब्रह्म को ना पहचाने। तीनों देव असुर अवतारा ताको भजे सकल संसारा।
तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पारे। पुणात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपका जन्म अब इस पीक टाइम में है, ये भक्ति युग है। धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ऐसे समय मनुष्य जीवन, और फिर आपको ये तत्व ज्ञान सुनने को मिल रहा है। आपके पुण्य कर्मों की आपकी किस्मत में परमात्मा ने कलम तोड़ रखी है। एक बच्चा, बेटा या बेटी, एक बालक, विद्यार्थी एक शिक्षा ग्रहण करता है, उसके लिए वो कितना समय निकालता है। माता पिता भी उसको पूर्ण रूप से छूट दे देते कि बेटा तू अपनी पढ़ाई कर, भक्ति कर, और यदि उसने बीए करनी है तो 14 वर्ष तक उससे कोई काम नहीं लेते, खर्च और करते हैं। और कोई डिग्री वगैरह करनी है 4-5 वर्ष और भी उसको समय देते हैं, तब जाकर के वो बालक कहीं रोजी रोटी के योग्य होता है, 2 पैसे कमाने योग्य, यानी उसको फिर कुछ लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमने परमात्मा पाना है, आत्म कल्याण करवाना है। यदि आप जी भक्ति करना चाहते हैं तो कुछ समय आप जी को अवश्य निकालना पड़ेगा, और उसके लिए अपना वित्त समान सामर्थ्य अनुसार अपना दान पुण्य भी अवश्य करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जी समय निकालिएगा और इस परमात्मा के सत्संगों को, यानी इस दास के द्वारा महिमा बताई जा रही है, इन लेक्चरों को आप अवश्य सुनिएगा। और सुविधा कर दी परमात्मा ने, ये आजकल ये आपके लिए ये सब खोज करवाई है। ये जैसे CD बन गई, DVD बन गई, और भी अच्छी सुविधा परमात्मा ने क्या रजा बख्श दी कि मोबाइल के अंदर आप MP3 भी सुन सकते हो और वीडियो भी देख सकते हो। अपना कहीं बस में बैठे हो, कहीं मजदूरी कर रहे हो, दुकान पर हो, सफर में हो, कहीं भी आप बैठे हो, कान में लगा हुआ लीड और अपने मंत्र करें या मालिक का सत्संग सुने, तो इधर उधर की बकवास भी सुनने को नहीं मिलेंगी और परमात्मा की महिमा आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इसके लिए आप जी ने इस ज्ञान को समझने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा और इसके लिए आपने समय भी निकालना पड़ेगा। तो अब आप जी को दिखाया परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी उस तत्व ज्ञान में यह सब भेद लिखा हुआ है। और 600 वर्ष पहले कबीर देव जी यही ज्ञान सुना करते, जो दास आज आपके रूबरू करा रहा और साथ में प्रमाणों से प्रमाणित कर रहा सदग्रंथों से, जिस कारण से आप जी आज इसको सहन कर रहे हो, समझ रहे हो, स्वीकार कर रहे हो। आज से 600 वर्ष पहले कोई ये कह दे कि ब्रह्मा विष्णु महेश गॉड नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये अजर अमर नहीं है, ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है कि इनके माता और पिता है, तो सिर फोड़ देती पब्लिक। जो परमेश्वर कबीर जी के साथ यही किया था और भ्रमित कर रखा था नकली गुरुओं ने, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान समझा के, वेदों पुराणों से वो परिचित नहीं थे, वो कहा करते कि कबीर झूठ बोलता है, कबीर ये अशिक्षित है, जिस कारण से इसको क्या पता सदग्रंथों का, वेदों और गीता और पुराणों को ये क्या जाने। आज वही गीता और वेद और पुराण परमात्मा के 600 वर्ष पहले बोली गई अमृतवाणी का समर्थन कर रहे हैं। अब पहले आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति श्री शिव पुराण में आए हैं, और फिर आपको दिखाते हैं ज्ञान के ब्रह्मा विष्णु और महेश
और नारद व्यास ने कितना वेदों का ज्ञान था, ऋषियों को कितना ज्ञान था, और परमात्मा समर्थ शक्ति ने आकर के पहले ही हमें बताया था, वो आज सब सत्य सिद्ध हो रहा है। देखिएगा, ये संक्षिप्त शिवपुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, वही है संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार। गीता प्रेस गोरखपुर से ये मुद्रक भी हैं और प्रकाशक भी हैं, गीता प्रेस गोरखपुर। अब इसका देखिएगा, यहाँ से ये है रुद्र संहिता, संक्षिप्त शिवपुराण पृष्ठ 98 और यहाँ ये पांचवा अध्याय समाप्त होता है, इसके लास्ट से हम पढ़ के आगे चलेंगे छठे में। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले, यानी नारद जी ने कुछ बात प्रसन्न किया था ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा ब्रह्म का पुत्र है, ब्रह्म का। अब ये छठा अध्याय शुरू हो गया रुद्र संहिता का 99 पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। आगे देखो, उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब 100 पृष्ठ पाते हैं, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ, तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। इसने निराकार कहे हैं, यह छुपा रहता, सबके सामने नहीं आता, तो इसने शिव रूप धारण कर लिया, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है, ये काल है सदाशिव। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं, उस समय एकाकी रहकर सब इच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति, ये ध्यान रखना, दुर्गा जी को प्रकृति और प्रधान भी कहते हैं, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी माता, उसके उत्पन्न करने वाली नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं, वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। सिद्ध हो गया कि ये दुर्गा है, एकाएकनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहाँ देखना, एक काल की डेफिनेशन है ये सारी, 101 पृष्ठ पे है रुद्र संहिता। वे अब काल के बारे में, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता के बारे में बताया जा रहा है, वे अपने सारे अंगों पर बसम रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, सदाशिव कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, उस काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं है,
यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव, प्रिया और प्रियतम यानी पति और पत्नी रूप में ये दुर्गा और काल है, जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। देव ऋषि एक समय आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई पुत्र उत्पन्न करना चाहिए जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सब इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के दसवें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। इन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया, वहां से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। 102 पृष्ठ पे शिव ने कहा, वत्स, इस काल ने कहा, बेटा व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। और देखो अब यहाँ ये छठा अध्याय समाप्त हो गया, ये सातवां शुरू हुआ रुद्र संहिता का। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि देव ऋषि, नारद अपने पुत्र को बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं देव ऋषि यानी नारद जी, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर साम सदाशिव ने यानी काल रूपी ब्रह्म ने पूर्ववत प्रयत्न करके दुर्गा के साथ विष्णु, जैसे विष्णु उत्पन्न किया, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने तुरंत ही मुझे अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि कमल में डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहाँ से प्रकट किया। इस प्रकार इस कमल के पुत्र के रूप में मुझ हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ। अब यहाँ आप जी ने ये तो देख लिया, यहाँ पर अनुवादकर्ता विचलित हो गया कि भी यहाँ इस चैप्टर में ब्रह्मा और विष्णु जी की उत्पत्ति तो बता दी दुर्गा और काल से, यानी पार्वती और शिव मान रहे इनको अज्ञानता से। अब शिव की उत्पत्ति कैसे बताऊँ, शिव से यहाँ गोलमोल कर गया। अब ये सच्चाई छुप नहीं सकती, जैसे अभी आपको दिखाया था विद्वेश्वर संहिता में कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो गया। किस बात पर? वो ब्रह्मा जी कहते मैं तेरा बाप, विष्णु जी कहते मैं तेरा बाप। तो इस सदाशिव काल रूपी ब्रह्म ने उनके बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया, लिंग यानी सफेद बहुत तेजों में, और फिर स्वयं प्रकट हो गए विष्णु सदाशिव रूप में। विष्णु और ब्रह्मा को दर्शन दिए शिव रूप में, जैसे आपने देखा होगा जैसे ये रूप है शिव जी का इस रूप में, और वहां उनसे कहा कि तुम दोनों को मैंने, पुत्रों तुम दोनों को सतीथि और उत्पत्ति जो कर्त दिए हैं, जॉब दी है, ये जो विभाग दिए हैं ये तुमने तपस्या करके मुझसे प्राप्त किए। एक बार फिर दिखाते हैं क्योंकि ये प्रसंग ऐसा चल पड़ा। वही अब ये ब्रह्मा और विष्णु जी की उत्पत्ति तो क्लियर होगी दुर्गा और काल से, अब रहेगी शिव जी की। ये देखो 24 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता है, या और ये 24 पृष्ठ पे इन दोनों के बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया। फिर ये काल आ गया शिव रूप धारण करके। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदि पांच कर्तों के लक्षण क्या है ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल बोला, फिर काल, ये काल रूपी ब्रह्म, मेरे कर्तों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें अब उनके विषय में बता रहा हूँ। ये सृष्टि पालन संहार त्रोभाव और अनुग्रह ये पांच ही मेरे जगत संबंधी कार्य है। 26 पृष्ठ पे
श्री शिव पुराण में, पुत्रो, ये काल कहता पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से, सृष्टि और सती थी नामक दो कृत प्राप्त किए, ये ब्रह्मा और विष्णु को तो यह बता दिया। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप यानी मेरे स्वरूप में है जो रुद्र और महेश्वर, मैंने दो अन्य उत्तम कृत सहार रुद्र भाव मुझसे प्राप्त किए। अपुण आत्माओं, आज तक हम जो भी ज्ञान ग्रहण किए हुए थे वो बिल्कुल अज्ञान था, लोक वेद था, दंत कथा थी, शास्त्र विरुद्ध था कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं और इनके कोई माता पिता नहीं है, ये स्पष्ट हो गया। और श्री दुर्गा पुराण में भी इसी प्रकार का प्रमाण है तीसरे स्कंद में। अब आप जी को ये बताते हैं, परमेश्वर ने अपनी अमृतवाणी में कहा है कि तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। तीन लोक यानी एक ब्रह्मांड में, इन सभी 14 भवनों में, लोकों में, एक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक हैं कुल मिलाकर, इनमें कहते कोई भी सत्संगी नहीं है। सत्संगी का अर्थ है जो यथार्थ ज्ञान से परिचित हो, यानी वेदों से भी जो परिचित हो। अपुनात्मा, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की हम पूजा किया करते थे, उनको कह कह का भी ज्ञान नहीं था, दातुन ज्ञान। और जो इनकी पूजा के लिए हमें प्रेरित करते थे वो महाज्ञानी। देवी पुराण के अंदर थोड़े से प्रकरण में बहुत सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पुनात्माओं, इन सदग्रंथों को आपने कंठस्थ करना पड़ेगा जो ज्ञान दास बता रहा है, और उसके साथ साथ फिर अपना जो मंत्र सिद्ध साधना दी जाती है वो आप करते रहिए, जिससे क्या होगा कि आप किसी से भ्रमित नहीं हो सकते, क्योंकि हम जा रहे हैं अपने सही रास्ते से और सही दिशा में। आगे कोई हमें भ्रमित कर देता है कि तुम गलत जा रहे हो तो हम असमंजस में पड़ जाते हैं और हम फिर दिशा बदल जाते हैं। दिशा बदलने से हम कुमार्ग पर चल जाते हैं और अपने निज स्थान पर ना जाकर हम इस संसार रूपी वन में भटकते रहते हैं। तो सबसे पहला दास का उद्देश्य है कि आप जी को इतना ट्रेंड कर दूं कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी आ जाएं आपके सामने, आप उनसे भी भ्रमित ना हो सकते, तभी आप अपने लोक, अपने स्थान, अपने घर को जा सकोगे, नहीं तो असंग जन्म हो गए, हमने यहाँ भटक जाने और परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। तो अब थोड़ा सा आपको दुर्गा पुराण में दिखाते हैं कि ब्रह्मा जी विष्णु जी को कितना ज्ञान था, ऋषि महर्षियों को कितना ज्ञान था, सतयुग के ब्राह्मणों को कितना ज्ञान था, ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, हनुमान प्रसाद पोदार चमन लाल गोस्वामी इसके संपादक हैं, इसके प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद बन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये है संक्षिप्त देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण, देवी पुराण, और ये 28 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक ही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि विष्णु से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कोष्ठमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतंबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। ये क्लियर हो गया कि विष्णु जी के बारे में ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी बताएंगे। नारद जी कह रहे हैं कि मैंने अपने पिता से पूछा था तो मेरे पिताजी ने यही प्रश्न किया था विष्णु जी से। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु हैं, विष्णु जी को इस सारी सृष्टि को ज्ञान देने वाला बता रहे हैं। कौन? नारद जी और व्यास जी सुन रहे हैं। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं, ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, ये डले डो रहा था विष्णु जी। तप करने का किसी भी शास्त्र में आदेश नहीं है, उनकी समाधि लगी थी,
यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह प्रथम स्कंद है देवी भागवत का, पहला स्कंद, और 28 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से यह जानने की इच्छा प्रकट की कि आप क्यों तपस्या कर रहे हो, अब तो पूर्ण परमात्मा हो, ब्रह्मा जी कहते। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तप कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे। अब ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने ये वचन बोले, उनसे कहने लगे, बर्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम्हें राजसी शक्ति का संचार हुआ है और मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। इस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से विसार कार्य होने भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे अपने कार्य में सदा सफल होते रहते हैं। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही, यानी दुर्गा के, मैं इस शेष नाग के सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ, अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और देखो कमाल तो यहाँ कर दिया विष्णु जी ने, 29 पृष्ठ पे है ये प्रथम स्कंद, हम पहला स्कंद पढ़ रहे हैं। यहाँ क्या बताया है कि मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, क्योंकि दुर्गा की पूजा करता हूँ मैं। और ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं और कोई भगवान नहीं मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।